केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 7 नई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य उनकी जिंदगी में सुधार और आय में वृद्धि करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन योजनाओं का कुल निवेश 14,947 करोड़ रुपए होगा। सरकार ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी है उनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है। इस योजना के तहत 2,817 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके साथ ही खाद एवं पोषण फसल विज्ञान की योजना भी है। बता दें कि इस योजना के लिए 3,979 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो खाद और पोषण से जुड़ी फसल विज्ञान के विकास में मदद करेगा। साथ ही साथ कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन योजना भी शामिल किया गया है, जिसमें कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। और टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य योजना भी है, जिसके अंतर्गत पशुधन के स्वास्थ्य को सुधारने और टिकाऊ बनाने के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए 1202 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। अंत में गुजरात में चिप निर्माण संयंत्र, गुजरात में प्रतिदिन 63 मिलियन चिप्स बनाने के लिए 3,307 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय और जीवन स्तर को सुधारने के लिए 7 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, खाद एवं पोषण फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन, टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी विकास, कृषि विज्ञान केंद्र और गुजरात में चिप निर्माण संयंत्र शामिल है। इन योजनाओं का कुल निवेश 14,947 करोड़ रुपए है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र को नई दिशा और उन्नति की ओर ले जाएगा।